गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग का कुछ कंटेंट ही नहीं है, मतलब कि क्या बोलो ऐसा कुछ। मैं आज आपको थोड़ा घर का ही फ्लावर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है और कुछ तो डालना ही पड़ेगा। और ये देखो मैंने मेहंदी लगाया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं शादी गई थी तब मैं मेहंदी लगाई थी। मुझको लगाना आता नहीं है, मैं सिंपल में ही ये लगा दी थी। मैं आज आपको अपना छोटा सा गार्डन दिखाती हूँ। गार्डन वाला वीडियो मैं पहले भी बनाई थी, पर नहीं आज मैं आपको कुछ खास खास जो कि रेनी सीजन में फूल फ्लावर देते हैं वो फ्लावर मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि रेनी सीजन बरसात में सब फूल तो फ्लावर सब पौधा तो फ्लावर नहीं देते। मैं थोड़ा बोल रही हूँ, थोड़ा हिचकिचा के ना। हाँ, तो ये हम लोग का घर कुछ खास नहीं है घर। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इधर पीछे तरफ हम लोग लगा के रखे हैं उसका, वो अभी नहीं फूलेगा इसलिए मैं उसको साइड में ही रख दी हूँ। उसका भी आप सबको दिखाती हूँ, ठीक है? वो सबको उसको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये हम लोग का फ्लावर पौधा एकदम मतलब फूल आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ जंगल भी हो गया है और वगैरह में आग लगती हूँ, मैं इसको साफ करती हूँ अभी। और रात को ना बारिश हुआ इसलिए पौधा वगैरह बहुत खुश है। बारिश आके सबको बहुत अच्छा ताज़ा ताज़ा महसूस हो रहा है। और ये पीछे दिख रहा है ये हम लोग का कुआं, जो कि अभी एक साल भी नहीं हुआ है, न्यू ही बना है। पहले हम लोग को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत दूर, पानी का बिल्कुल भी सुविधा नहीं था, इसलिए हम लोग खुद ही अपने से बनाए, क्योंकि पानी नहीं देने से कुछ काम ही नहीं होता है। मुझे बहुत कुछ पौधे में मतलब मिट्टी वगैरह चेंज भी करना है, पर मुझको समय ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका जो पुराना मिट्टी था उसका खाद तो ख़त्म हो गया, उसमें नया खाद लगा के तो नया मिट्टी लगा के वो पौधा लगाना पड़ेगा। तो इसका बहुत अच्छा फूल खिला है, देखिए इतना अच्छा फ्लावर आया है ना। ये भी अभी रेनी सीजन में बहुत अच्छा फूल देगा, फ्लावर देगा, तो आप इसको लगा सकते हैं रेनी सीजन में बरसात में। और ये हम लोग छोटा सा कटिंग करके इसको छोटा पेड़ ये बनाइए, बहुत सारा वो निकाला है टूसा क्या बोलते हैं, ये भी बहुत सारा फ्लावर देगा, इतना प्यारा कलर है ना। और इधर हम लोग का है कैक्टस, ये बहुत दिन में ग्रो करता है, बहुत समय लगता है इसको ग्रो होने में। और ये भी क्या कलर का मुझको नहीं पता, ये मेरा एक फ्रेंड ने दिया है। कैसा फलता है सिर्फ बोला कि फूलेगा, कब फलेगा फूलेगा पता नहीं है। और ये रोज़ ये बहुत अच्छा रोज़ देखिए, लगे पर ना रात को बारिश हुआ इसलिए थोड़ा मुरझा गए हैं। बहुत सारा होता है और बहुत सारा इसका वो भी है। इसी तरह हम लोग कबूतर का घर, और ये सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है मुझको, ये बहुत समय के बाद इतना लंबा हुआ है, नहीं तो कोई ना कोई मांग के ये छोटा ही रहता है। तो दो इसके बाद हम लोग इसको दो तीन जगह में लगाए, फिर यहाँ का नहीं दे रहे थे, कोई मांग रहा था तो कोई और जगह का दे रहे थे, इसलिए इतना लंबा हो चुका है। बहुत प्यारा लगता है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा है। और मुझे थोड़ा सा यहाँ का मिट्टी भी चेंज करना है, ये ख़राब हो गया है यहाँ का मिट्टी, नया खाद लगा के नया से वो लगाना पड़ेगा फूल। कौन आया है? ये है टॉमी, ये प्रोदास लग रहा है। ओ इधर देखो बच्चे, टॉमी बैठ जा, इधर बैठ जा, बैठ जा टॉमी बच्चा। किसको किसको डॉग से प्यार है, मतलब कि एक होते हैं ना डॉग लवर, कमेंट करना मुझको डॉग पसंद है, पर सिर्फ अपने गली के। मुझे बाहर की गली वाले डॉग से डर लगता है, कहीं मुझे काट ना ले, ऐसे भी मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए डॉग लवर, बट सब लोग अच्छा नहीं लगता, ये सबसे आदत पड़ गई है इसलिए। ये हम लोग का नहीं है, ये हम लोग को पड़ोसी का है, सिर्फ ये आता जाता रहता है, पर ये मुझे अच्छा लगता है। इसका नाम है टॉमी, टॉमी हेल्लू हेल्लू जाओ। तो हम लोग का घर में ना ज़्यादा फ्लावर देने वाला पौधा नहीं है, सिर्फ हम लोग ज़्यादातर जो कि पत्ता है सो लगे ऐसा ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लावर देने वाला वो बारह मार्च नहीं रहता है, और पत्ता सो लगे वो तो हमेशा के लिए रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कौन कौन सा ऐसा रहता है फ्लावर भी अच्छा देता है पत्ता भी सो लगता है, हम लोग घर में ज़्यादा फ्लावर देने वाला पौधा नहीं है, ज़्यादा हम लोग पत्ता ही वाला लगाते हैं। और ये पौधा ड्रैगन का पौधा है, ड्रैगन प्लांट एक मिलता है ना, पर जो भी आता है ये फल देता है वो तो हम लोग बहुत समय हो गया, एक साल से ज़्यादा हो गया शायद, कि एक साल ही हो रहा है अभी तक फल भी नहीं दिया है, शायद कितना समय लगता होगा मुझको तो नहीं पता। ड्रैगन फल का बहुत ज़्यादा दाम है जितना तक मैं सुनी हूँ, पर ये अभी तक नहीं फला है। और ये पौधा तो ड्रैगन का ही है या फिर नहीं है,
पर ड्रैगन का ही है, मुझे किसी ने दिया था, एक फ्रेंड ने, तब मैं लगाई थी, पर अभी तक नहीं फला है, पता नहीं और कितना समय लगेगा। ये पूरा हम लोग का यहाँ पे खूंटी है, उसमें मैंने वो कर दिया है ऊपर तक, पता नहीं कब तक फल देगा। फल देगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। बारिश आएगा शायद, बूंद बूंद टपक रहा है, घर का वीडियो, फ्लावर वीडियो, प्लांट वगैरह, आपको कैसा लगा?